खबर फरुखाबाद से, जहां एक मामला सामने आया। महिला को शिकायत करना इतना भारी पड़ा कि महिला को पागल करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, महिला को जबरन एम्बुलेंस में भर लोहिया अस्पताल भेजने का निर्देश भी दिया गया। देखिए किस तरह जबरन महिला को बालों से पकड़कर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। दरअसल मामला कलेक्टर परिसर का है, जहां महिला शिकायत लेकर पहुंची थी, पर अधिकारी ने महिला की मानसिक हालत ठीक ना होने की बात कहकर सरकारी एम्बुलेंस से लोहिया अस्पताल भेजने के निर्देश महिला को दिए। फिलहाल महिला आयोग के सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। तो आप देख सकते हैं महिला के साथ किस तरह से जोर जबरदस्ती करते हुए ये महिला पुलिसकर्मी उसको एम्बुलेंस में बालों से पकड़कर खचेड़ते हुए एम्बुलेंस में किस तरह से चढ़ा रही, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से किसी भी महिला के साथ में वह गलत कार्य नहीं कर सकता है, किसी भी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। वहां पे कोई भी हो, ए टू जेड महिला है, महिला के साथ में अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी किसी प्रकार से। अब इस पूरे मामले में महिला आयोग की तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि महिला चाहे कोई भी हो, अगर मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं थी तो इस तरह से जबरन, इस तरह से बदसलूकी महिला के साथ क्यों की गई, तो कार्रवाई की बात यहां पर कही गई है। तो महिला आयोग ने कार्रवाई की बात कही है। और फरुखाबाद से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, एक महिला को शिकायत करना भारी पड़ा, मानसिक जो है तनाव यहां पर बता दिया गया, जिसके बाद बदसलूकी महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से। आप पूरा मामला बड़ा शर्मनाक है। महिला शिकायत करने गई थी अपने किसी परिवार के मामले की, और उसके बाद में उसकी मानसिक स्थिति खराब बताकर उसे अस्पताल भेजने की बात की गई, और अधिकारी के आदेश का अनुपालन कराना, पुलिस किस तरह से जबरदस्ती अनुपालन करा रही है, बाल पकड़ करके खींच करके सड़क पर उसकी बदसलूकी करके उसे एम्बुलेंस में जबरदस्ती डाला जा रहा है, और महिला कह रही कि हम इस तरीके की अस्वस्थता की स्थिति में नहीं है, इसके बाद में भी उसे जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। तो ये बड़ा शर्मनाक स्थिति है, और जिस तरह से बाल खींच करके महिला के साथ हाथ पैर खींच करके इसे डाल रहे हैं, खासतौर से जो महिला कांस्टेबल है और जो अरवली है कलेक्ट्रेट के, वो महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति इन तस्वीरों में साफ निकल करके आई है। चलिए अनिल, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन किस तरह से महिला को शिकायत करना भारी पड़ गया। हालांकि अब महिला आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा।